दोस्तों, आपके फ़ोन के ऊपर आपने वाईफाई को कनेक्ट किया है, आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है। वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट वाला जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं आसान तरीके से, आज उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा, 100% ये जो प्रॉब्लम है आपके फ़ोन के ऊपर इसको आप फिक्स कर पाएंगे इस वाले वीडियो को देख करके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सबसे पहला काम कर लेना है वो आपको ये करना है कि आपको आपके फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आपको फिर से अपने वाईफाई को कनेक्ट करके चेक कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार फ़ोन के अंदर ही कुछ ऐसा बग आ जाता है जिसकी वजह से हम इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो जो नो इंटरनेट वाली जो मैसेज है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए आप सिंपल से अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से अपने वाईफाई को ऑन करके उस वाले वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर इतना करने से आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है गाइस, तो जो नेक्स्ट चीज़ आपको ट्राई करनी है वो आपको आपके वाईफाई को एक बार फॉरगेट कर लेना है, उस वाले नेटवर्क को आपको उस वाले नेटवर्क के ऊपर टैप करना है, फॉरगेट नेटवर्क करना है। इसके बाद आपको फिर से नेटवर्क के ऊपर टैप करके आपका पासवर्ड यहाँ पर फिर से एंटर करना है और कनेक्ट करके देख लेना है। कई बार फॉरगेट करने से ही सिंपल सा ये जो प्रॉब्लम है आपका फिक्स हो जाता है। और ये चीज़ आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 के तरफ। तो स्टेप 3 का जो यहाँ पे प्रोसेस है गाइस थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। इसके लिए आपको आपके वाईफाई के पेज को सबसे पहले बंद कर लेना, आपके फ़ोन के डायलर को यहाँ पे ओपन करना है। अब डायलर के अंदर आपको जाना है गाइस, एंड यहाँ पे आपको डायल करना है *#*#4636#*#। और लास्ट का आप जैसे ही स्टार दबाते हैं आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। तो कोड को आप एक बार मैच कर सकते हो, *#*#4636#*#, और लास्ट स्टार आप जैसे ही प्रेस करते हैं आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तीन ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे में है वाईफाई इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, आपको सिंपल सा इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे नीचे में आपको जो लास्ट ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट पेज पे वाईफाई स्टेटस लिखा हुआ, आपको इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं गाइस, पहला है वाईफाई का रिफ्रेश स्टैट्स एंड दूसरा है रन पिंग टेस्ट। दोनों के ऊपर आपको एक एक बार टैप कर देना है और जैसे ये चीज़ हो जाता है आपको सिंपल से इस वाले पेज को यहाँ पे बंद कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको वाईफाई को आपके ऑफ करके ऑन करना है और उस वाले नेटवर्क से फिर से आपको कनेक्ट करके देख लेना है। अब गाइज इतना करने से भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है तो नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है वो है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स का। तो इसके लिए आप सिंपल से आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। अब कोई सा भी फ़ोन है आपको ऊपर में सर्च का ऑप्शन मिल जाता है या फिर रीसेट लिखा हुआ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर जाना है। या फिर आप सिंपल से यहाँ पे रीसेट वाईफाई लिख करके सर्च कर सकते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है जिस पर आप टैप करेंगे। और यहाँ पे नीचे में लास्ट ऑप्शन है रीसेट सेटिंग्स का, सिंपल सा इसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ से आपको हो सकता है आपके फ़ोन का जो पासकोड है, पिन है, वो एंटर करना पड़े। उसके बाद आप यहां से सिंपल से इसको कंफर्म जैसे ही करते हैं आपकी नेटवर्क सेटिंग्स पूरी रीसेट हो जाती है। और अगर आपके नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसा बग या फिर प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन पे वाईफाई को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ यहाँ से आपकी फ़िक्स हो जाती है। अब अगर गाइज ये भी मेथड वर्क नहीं कर रहा है तो मेरा एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको एक और एडवांस मेथड बताया है जो कि आप आईपी को यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं, 15,00,000+ व्यूज़ है उसके ऊपर। तो अगर इस वाले वीडियो से आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से 95% लोगों का हो गया होगा, तो आप उस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को, एंड ऐसे लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करें और घंटे को भी ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ